वेलकम बैक टू मनाना ब्लॉग गाइस। सो गाइस एक्चुअली हम जा रहे हैं नैनीताल, कैसे बाय स्कूटी देख लो। मेरे बाल आपको शायद अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने आजकल कटिंग करवा रखी है। बाहर हमारी बस आ चुकी है बिहार जाने के लिए। एक्चुअली गाइस हम ना पोर्च इलाके में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा पोर्च इलाका कहते हैं हम इसको। क्यों आप देख सकते हो ये देखो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक्यूट्स हैं, क्योंकि जिस दिल्ली में हम रहते हैं ना वहाँ पे ऐसे बैंक्यूट है। और यहाँ पे फुल स्टॉल वगैरह मिल जाएगा आपको। सारा सुना हो बादशाह का दिल्ली के लोंडे में कुत्ती फिर हम पीरागढ़ी के फ्लाईओवर से पीरागढ़ी, इस पीरागढ़ी में रहते हैं हम। हाय, ये है हमारी दिल्ली, देख रहे हो आप लोग लक्ष्मी नगर एंड जो बिल्डिंग चेक करो गाइस। आज हम दिल्ली के टोल टैक्स से पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही मिनटों में। अगर आप दिल्ली आओगे ना मेरे जो व्यूअर्स हैं बिहार से कहीं से भी बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आना जरूर। सो गाइस एक्चुअली हम नैनीताल जा रहे हैं, अभी हम शायद हाईवे पे है और दिल्ली से हम ऑलरेडी आ चुके हैं। और मैंने पहली वीडियो इसलिए नहीं बनाई, हमें कहा कि लंबी वीडियो बनेगी। और हम और ये हमारा 3 घंटे सफर है शायद, और लास्ट स्टेज पे हम रुकेंगे कहाँ पे, मुरादाबाद में रुकेंगे, फिर मुरादाबाद से सीधा जाएंगे हम नैनीताल पहाड़ों पे। आगे हम यहाँ रुके हैं चिलमिल पे, ये हमारे दोस्त जो पानी वगैरह पी रहे हैं, यही ड्राइवर है जो गाड़ी भगा सकते भाई साहब, हमसे तो चलाई नहीं जा रही। और ये हमारी धन्नो और कुछ नहीं, देख रहे हो गाइस अम्मा गेट, अम्मा गेट अभी अम्मा गेट पे हम ये हमें घूम रहे बस ऐसे रामपुर, ये रामपुर देख रहे हो खुले खुले घर, ये ज्वालापुरी में रह रहे कि ना लोग पागल हो गए। मुझे तो डर लग रहा था यहाँ पे आने पर, लेकिन लोकेशन सही है, क्लीन है, क्लीन एकदम एकदम क्लीन, कहीं पे गंदगी नहीं दिख रही मेरे को। तो भाई रामपुर देख लो कितना बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये, इस सिटी के अंदर आने का रास्ते एक्सेंट अराउंड अबाउट ऑन टू रामपुर स्वर बाजपुर मार्ग, देख लो वाओ भाई साहब मेन सिटी लग रही है यूपी की ना, हमारा रामपुर राइट चेक करो हमारा रामपुर, इस रामपुर को छोड़ के हम जा रहे हैं। कंटिन्यू ऑन रामपुर स्वर बाजपुर मार्ग फॉर पेट्रोल डलवाने आए थे, हमारी गाड़ी ये है। अब नैनीताल रह गया कम से कम भी 70-80 किलोमीटर रह गया है, और हम ना हम मेन हाईवे से नहीं जा रहे, हम जो दूसरा वाला रूट है ना उस रूट से जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी इकलौता पेट्रोल पंप यही मिला हमें, यहाँ सिर्फ ट्रक चल रहे हैं और हमारे लिए सेफ है क्योंकि ना ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है, एकदम क्लीन रास्ता है और कुछ नहीं। ये दूसरा वाला रूट है, ये हम रुद्रप्रयाग से नहीं जाएंगे, कहीं और से जाएंगे, बस हमारी कमर की होगी बैंड बज की एकदम ओके। गाड़ी देख रहे हो, जूते देखो हमारे गाइस, वो कटिंग चल रही होती है पहाड़ों की फाइनली देख रहे हो गाइस, इकलौते हम ही हैं यहाँ पे और कोई नहीं है इस नैनीताल के पहाड़ों पे। देखो पीछे चेक करो, पीछे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा और हम इकलौते हैं स्कूटी पे। और ये मैप देख रहे हो आप लोग, अभी तो बहुत लंबा जाना है हमें, बहुत लंबा, नैनीताल पहुंच चुके हैं प्रॉपरली हम। ये देखो भाई साहब, ओ दे 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 दे, अरे भाई साहब, अरे ये जंगल में, ये जंगल नहीं है सॉरी पहाड़ पे हम, देख रहे हो आपको दिखाई नहीं दे रहा से, पहाड़ पे चल रहे हैं, ये भी खाई, हर जगह खाई खाई है, ज्ञान से गाड़ी आ रही है, देख रहे हो इकलौते हम हैं। ये पत्ते तो ऐसे गिर रहे हैं कि भाई साहब क्या बताऊं, ये होता है स्कूटी पे आने का नतीजा, मजा सॉरी नतीजा कह रहा हूँ। ओए वो क्या था बेंचो, चीता है गाड़ी भग रहा हूँ, क्योंकि ना बारिश हो रही है और हमारी वो पूरी फट रही है, क्योंकि एक तो हम यहाँ अकेले पहाड़ों पे
आपको दिख भी नहीं रहा ऊपर तो। मौसम एकदम क्लियर है, बादल थोड़े बहुत हैं और लेकिन हवा पानी बरसात हो रही है मेरी तो भाई, पटरी साहब बताऊँ तो बगल में खाई है सब कुछ देख रहा हूँ भाई साहब। तो मैप देख रहा हूँ तो भाई साहब मैप में ना अभी भी मुझे एक घंटा दिखा रहा है, 30 किलोमीटर अभी पहाड़ पर चढ़ना नैनीताल। मौसम ऐसा चेंज हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ आपको पत्ते दिखा दो नीचे देख रहे हो। चलो भैया चलो, भगवान का नाम लो चलो। बारिश हो रही है, बारिश। गाइस एक्चुअली हम नैनीताल तो आ गए, नैनीताल अभी हमारे 30 किलोमीटर है लेकिन हम पहाड़ पे ही है। और ये एक्सपीरियंस मैं सही बताऊं अकेले कर रहे हैं हम, कोई नहीं है हमारे आगे पीछे, बस हमारी स्कूटी है और हमारे दोस्त ड्राइवर सर। गाड़ी तो हमारी बोल रही है कि मत जाओ ऊपर, क्योंकि 40 से ऊपर की स्कूटी चल नहीं रही और सारे रास्ते घुमावदार। और यहाँ अभी तक तो कितना है, अभी 30 तो होगा प्यार से, 30 किलोमीटर दिखा रहा प्यार से मैप में, 30 दिखा रहे हैं। बाकी देखो गाड़ी आ रही है, आपको दिख रही है वो ट्रक आ रहा है ऊपर से उड़। आन दो भैया आन दो, पीछे से कुछ आ रहा है, वो ट्रक आ रहा है, पर ट्रक आ गया सर अभी, अच्छा उतर रहा है अभी भी वो देखो। सो गाइस अभी भी हम 20 किलोमीटर दूर अपने पॉइंट से नैनीताल से, आपको शायद व्यू दिखाता हूँ मैं, शायद दिखेगा नहीं शायद आपको व्यू, मुझे तो दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिखेगा शायद। दिख रहा है आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, मुझे दिख रहा है। अभी हम खाने आए हैं मैगी, मुझे लग रही ठंड, घर से निकला था मैं सोचा टी शर्ट में आऊँगा लेकिन मैं ये हुडी ले आया, हुडी ने मेरी जान बचा ली क्योंकि दिल्ली में हो रही ठंड, ओ सॉरी ठंड कह रहा हूँ गर्मी। लेकिन यहाँ पे हमारे दोस्त और मैं मैगी खाने आए, ठंड लग रही भाई साहब। ये हमारे दोस्त है, ये हमारी धन्नो रानी, लोग यहाँ पे गाड़ी लेके आ रहे हैं लेकिन हम स्कूटी लेके आए अपनी बकायदा स्कूटी से, क्योंकि हम डाउन टू अर्थ है डाउन टू अर्थ, ठीक है। ठंड लग रही है मुझे तो, व्यू चेक करो, मैगी खा रहे हैं दोस्त। ये हमारा 5-स्टार होटल है, हमारी मैगी बन रही है गाइस। कितना टाइम दिखाई जरा, कितना रह गए हम, अरे दिखाना करना इसको रिसेंटली, 14 किलोमीटर रह गए दोस्तों 14 किलोमीटर। अभी हमें साफ सीढ़ी बना के जाना है, देख रहे हो ये जो रास्ता देख रहे हो ना, आसान नहीं है, हम स्कूटी से आए हमें पता है। रुकने के बाद ज़्यादा ठंड लग रही है, रुकने के बाद तो ठंड लग रही है, गाड़ी चला रहे थे ठंडी थी, रुकने के बाद ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और हमने समझ लो कम से कम 9 बजे 6 बजे से खाना नहीं खाया मैंने तो 6 बजे से नहीं खाया ये, लेकिन इसने खा रखा है खाना, क्यों मैंने भी तो 3-4 बजे खाया था लेकिन मैंने तो 6 बजे से नहीं खाया, ढाबा ही नहीं मिला रास्ते में कोई सा, देखते ऊपर। गाइस सुबह हो चुकी है, सुबह गाली बकता तू, सनसेट देख रहे हो गाइस, मजा तो आ रहा है, जो सनसेट है ना भाई साहब बहुत ही प्यारा है, सनराइज सॉरी, मात्र 20 किलोमीटर दूर है हमने, और जो ऐसी लोकेशन है ना क्या बताऊं आपको मैं, वो तो हम नॉर्मली अपनी स्कूटी, ये फायदे होते हैं कि अपनी स्कूटी या गाड़ी से आने का, बस से क्यों है, बस तो वही है हल्द्वानी छोड़ा नैनीताल छोड़ा, जो गांव है ना मेरे सामने क्या बताऊं आपको, आपको गांव दिखाता हूं, ये देखो वाओ देख रहे हो गांव, अब वो भी देखो थोड़ा, नाइट में जो व्यू था ना पूरा एरिया दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम कौन से हाईएस्ट पॉइंट पे है, रोशनी रोशनी थी। और पहली बात तो हम अकेले आ रहे थे, इतना डर लग रहा था ना हमें, नहीं मुझे नहीं लग रहा था तेरे को, हाँ मुझे लग रहा था इसको नहीं लग रहा था, पर व्यू तो सही बताऊं परफेक्ट देख रहे हो, हम समझ लो ऐसे ऊपर नीचे और बहुत नीचे से आए हम, तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, और अभी भी हमें ना 25 किलोमीटर जाना है और अभी और ऊपर चढ़ना है, बस हम पहुंचने वाले हैं, वो तो हम रैंडमली आ गए, बस
फोटो शूट वगैरह करने के लिए, हमारी स्कूटी वहीं पे है। सो गाइस, और हम थक चुके हैं बिल्कुल भी, सुबह 6 बजे खाना नहीं खाया था बिल्कुल भी, और जस्ट अभी हमने मैगी खाई है 10 कितने की पड़ गई है, 220 रुपये की 4 प्लेट मैगी खाई हमने, 2 तो हमने मसाला वाली खाई है, 2 प्लेन वाली खाई है। आ जा भाई आ जा। आप लोग ये नहीं पता क्या चीज़ है ये, कुछ तो है यूनिक। अंकल कह रहे आप बहुत हिम्मत का काम है। पेट्रोल डाल लिया अंकल हमने इसमें 800-900 रुपये का, 800-900 रुपये पेट्रोल, 800 रुपये डाल दिया है, 800 रुपये अभी तो बाकी पेट्रोल तो पूरा हाँ बचा हुआ अभी भी पेट्रोल। अच्छा और साइड से भी लाया वाला से ना? अच्छा इसी में ही हाँ, जहाँ मन करा डलवा लिया, मतलब पूरी करवा दी थी, थोड़ा सा कम होते पूरी कम नहीं होती। आगे ढाबे मिल जाएगा अंकल, मतलब ढा 9 रुपये में सीधा होटल मिलेगा, होटल मिलेगा खाने के लिए, खाने के लिए नहीं। चलो शिवा रेस्टोरेंट, चलो भाई रिकमेंडेशन मिल गई है। चलो गाइस देख रहे हो आप, इतने ऊंचाई पे पहाड़ के ऊपर, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा है, और लेकिन इतने प्यारे तरीके से बना रखा है ना, कुछ तो जो रिजॉर्ट वगैरह है। और जी पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि पहाड़ के ऊपर जाके इतनी सारी झीलें, वो देख रहे हो झील क्या व्यू है। दिल्ली इल्ली कुछ नहीं है, ज़मीन कहीं खरीद लो इससे बढ़िया, और वहीं पे कोई बिजनेस खड़ा कर दो और मंथली आता रहेगा आपको। और नैनीताल रह गया हमारा कितना, मात्र अभी भी 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर हमारे लिए बहुत कठिन है, वो देख रहे हो आप लोग 10 किलोमीटर है। मैगी खा ली है हमने, अब हम चलते हैं, पर इसको देख के ना दिल आ गया है भाई साहब, ये होते स्कूटी के फायदे। सजरा सवेरा तेरी तनवर से ना 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 ओ वाह। वाओ क्या लोकेशन है यार, पहाड़ देख रहे यार आप, वो तो ठीक है, वो देख रहे तो मंदिर दिख रहे हो, पहाड़ में मंदिर अभी दिखा रहा हूं, लोग रहते कैसे हैं। और ये घास ऐसी है, एक तिल्ली लगती ना पहाड़ में लगेगी पूरी आग, क्योंकि सूखी घास है पूरी। कैसा लगा आपको आपको यहाँ पे आके, अरे गाने शूटिंग जाएगी यहाँ पे प्यार से, देख रहे हो ये हमारे अंकल हैवी ड्राइवर है, उड़ा देंगे भैया। सब कुछ छोटा लगता है पहाड़ों पे आके, ठंड लग रही है पर मुझे बहुत ज़्यादा। इसकी शक्ल देखो, यही भाई साहब, इसने 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई इस लड़के ने, 300 किलोमीटर। अभी तो और ऊपर जाना है। तो तेरी जमीन फाइनल होगी यहाँ पे? कहाँ पे तेरा प्लॉट? वहाँ पे, वो देख रहे हो आप उस पहाड़ पे एक प्लॉट है, मात्र 15 लाख में मिला है इसको, 15 लाख रुपए गज, समझ रहे हो। एक रिक्शे हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, एंट्री कर चुके हैं, आपको व्यू नहीं दिख रहा लेकिन आगे दिखेगा, आगे देख रहे हो घड़ी घर घड़ी घर घड़ी घर देख रहे हो नैनीताल। Wow, ले लो प्लॉट,
15 लाख रुपए गज। मजाक कर रहा हूँ, 15 लाख रुपए गज। हाँ, किस्ते भरते भरते आप खत्म हो जाओगे। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है और गाड़ी तो हमने बंद कर दिया थी, चल रही है हमारी स्कूटी। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मॉल रोड आ चुके गाइस, खाना पीना खाना पिया खाए, ये होता कुछ यू एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। चलते रहो, लेकिन जैसे जैसे जा रहा है होटल जाते हैं। चालू है ना गाड़ी तेरी, बाथरूम अलग ही दुनिया, एक अलग ही सोसाइटी है, एक अलग ही दुनिया। ड्राइव व्यू बहुत लंबा है भाई साहब। अब हमें यहाँ पे होटल ढूंढना है। होटल वाओ गाइस, आपको दिख नहीं रहा व्यू, बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चा तो मैं भी हूँ लेकिन आपको दिख नहीं रहा हूँ। अब हमें एक होटल चाहिए, होटल चैनी खैनी के एड हर जगह होती है क्योंकि इनकी जो चर्चे है। लेक भी आ चुके गाइस, काफी है। सो गाइस फाइनली एक्चुअली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। व्यू देख रहे हो आप लोग, नीट एंड क्लीन प्लेस। अब हम ढूंढ रहे अपना होटल, एक होटल मिला तो है हमें, देखते हैं हमें मिल जाए अब उसी रेंज में। ना ना आप भी देखते रहो जब तक। मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ और अभी जस्ट मैंने चार्ज पे लगाया इसको और ऐसा रूम मिला हमें। और हम माँ एक घंटे से रूम ढूंढ रहे थे और हमें रूम मिल रहा था कम से कम 2000-3000 इतने के लेक के साइड। लेकिन हमने क्या करा, लोगों से पूछा, लोगों ने बोला थोड़ा नीचे जाओ, तो हम थोड़ा नीचे आए ना 1 किलोमीटर की, तो हमें एक होम स्टे मिल गया है। ये बहुत प्यारा सा सिंपल सोवर देख रहे हो, और क्या चाहिए। देखो भाई चोट लग गई भाई को, रूम ढूंढते ढूंढते देख रहे भाई, भाई रूम ढूंढते ढूंढते चोट लगा ली। उस हाथ की दिखाना, ये देखो जो जीने थे ना खड़े जीने थे, तो ये भाई फिसल गए एक गेस्ट हाउस में जाते जाते। मुझे लगा भाई मिल गया रूम, लेकिन रूम तो नहीं मिला, चोट मिल गई। लेकिन हमें बहुत अच्छा रूम लगा है, मैं भी ऐसा रूम बनाऊंगा अपने घर में क्योंकि मेरे घर में अभी काम चल रहा है। एक नया घर पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। अब हमें नींद आ रही है, हम ना यहाँ पे पहुँच गए थे कम से कम 5 बजे पहुँच गए थे, 5 बजे, और एक घंटा तो हमें होटल ढूंढने में लग गया है क्योंकि कभी पहाड़ के ऊपर जा रहे, कभी नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, स्कूटी चला चला के थक गए हम तो बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ का मौसम कभी बारिश आ रही, कभी धूप आ रही, कभी बारिश आ रही है, यही हो रहा है बार बार। और ठंड तो यहाँ बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हम आराम करेंगे, अभी 8 बज रहे सुबह के, लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है ऐसा लग रहा है शाम हो रही है क्योंकि यहाँ पे कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप आती है। हम 1 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद अभी निकलेंगे यहाँ से थोड़ा बाहर और घूमने के लिए। थक गया देख रहा हूँ। क्या चाहिए अब इस रूम में, सिंपल सोबर रूम है भाई साहब। गाइस हमारी नींद खुली है, घड़ी का यहाँ पे 2 बज रहे। मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा कुछ खाने पीने, सिर्फ 4 घंटे नींद आई है हमें, 4 घंटे। सभी तो हमारे सो रहे हैं, इनको नींद की जरूरत है सख्त। ड्राइवर जी हमारे आते हैं सर, नाइट आउट करो आप। देखो कितना महंगा रूम है हमारा, इसे कहते हैं एयर बी एन बी में, हम लग्जरी रूम में आता है यहाँ पर। यहाँ पे ये हमारा होटल है, वहाँ से बैक साइड का व्यू दिखता है। आगे तो आपको दिखाता हूँ, शायद गेट तो होगा। देख लो गाइस, ये हमारा व्यू बैक साइड का व्यू है। व्यू
आओ, मुझे लगा रात होगी, होगी रात तो ही नहीं। नैनीताल में ही है लेकिन हम थोड़ा से नीचे आ रखे और थोड़ा उस साइड है मेन लेक, लेकिन वहाँ पे ना होटल वगैरह ना महंगे हैं, 3 से 4 हज़ार की होटल है। यहाँ मेरे को सस्ता होटल मिला कम से कम ये 1800 का होटल था, बहुत प्यारा होटल, होटल तो नहीं कह सकते इसको, कह सकते हैं होम स्टे। ये मतलब कि 60 गज का प्लॉट है लेकिन लंबाई में, और इसके अंदर 5 रूम है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं ऐसे व्यू चेक कर रहे हो। हाँ अब आगे हम मार्केट में जाते हैं पानी लेने के लिए। ओके गाइस, सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, 2 बज रहे हैं। ये हमारी दिल्ली वाला लुक, छपरी नहीं बोलते इसको, औकात से ऊपर वाले कपड़े बोलते हैं इसको। ये तो भाई नॉर्मल ही है, स्केचर्स के जूते, प्लास्टर भाई ने, एक्सीडेंट हो गया था भाई का, एक्सीडेंट मींस रूम देखने गया था, जीने से फिसल गया, रूम इतना बढ़िया था हम फिसल गए देखते फिसल गया। दिल फिसल गया उसका और इसके अरमान भी फिसल गए। गाड़ी चल उठा ले, दोबारा वीडियो बना भाई, आगे चल अंदर लोग ला रहे, छोड़ दे आजा आ तक देख लेंगे, छोड़ना आजा, पहले मैं वहां जाना है, चाबी लेके आऊं, लॉक नहीं लगा भाई, छोड़ दे चाबी, इसकी चाबी लॉक, चाबी ना अच्छा वही है ना चाबी, अभी तुम बताओ कहाँ पे है। नंदा देवी अबे क्या नैनीताल में है, अभी हम हैं ये सबसे हाईएस्ट तो यही है, सॉरी ये सबसे हाईएस्ट। चलो भाई सही से साफ करो सर, अर्थ पर जो पीटर, ओहो ये होती है अपने पास में लेने की बात। चलो ठीक आ रहा है मेरा, सो गाइस हम जा रहे हैं खाने पीना खाने के लिए, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे नैना पीक पे अगर टाइम मिला तो। ये हमारा होम स्टे है और ये हमारी स्कूटी है बाय दिल्ली से, 300 किलोमीटर चला के आए हमारे ये ड्राइवर सर, लेकिन हमारे ड्राइवर सर के हाथों पे लग चुकी है, इसका हमें बहुत अफसोस है, यहाँ तो बैंडेज लगा ली है। चलो क्योंकि यहाँ पे घर ले लो और लगा दो, उसको क्या कहते हैं रेंट पे लगा दो, ये इन लोगों के ना होम स्टे वगैरह है। चलो नानी नजरों से हमने किसी को दिल दे दिया, ये आगे कचरे जो हमें देख रहे हैं कि भाई की पैंट है, देख रहे हो हर कोई नोटिस करता है क्योंकि पैंट इतनी महंगी वाली है हमारी UK 0, देख रहे हो मात्र 500 मीटर की 500 भी नहीं 100 मीटर की दूरी पे था हमारा होटल, 100 मीटर की दूरी पे था हमारा होटल, जितना दूर लोगे ना अपने होटल उतना थोड़ा सस्ता मिलेगा और अच्छा ही मिल जाएगा। वैसे स्टार्टिंग है 5-5 हज़ार के, 4-4 हज़ार के नैनीताल लेक पे, आपको दिखाता हूँ, जस्ट पहुँच ही गए हम, हेलमेट ले ले दोस्त, लगा दियो सामने लगा दियो, रेस्टोरेंट वगैरह यहीं है आगे दोस्तों नगरी में अपनी, आप यहीं किराए पे लगा देंगे स्कूटी, शायद देख ले खाएगा इसी तरह किराए पे लगाएगा, किराए पे लगा देते हैं देख के लगा, यहाँ लगा था खाली है। हेलो फ्रेंड्स, बतख घूम रही है वहीं डाल, यहाँ लगा, ये बहुत अच्छी लगा आगे दोस्त लगा दे भैया, व्यू पॉइंट पे लगा दो, तो बड़ा गहरा है क्या हुआ, क्या सोच रहा है, आओ सर
कहाँ चले। तो गाइस हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये हमारी जुपिटर है और ये सबसे टॉप मॉडल है, लेकिन ये लगवाऊंगा अपने में, ये सही रहेगा क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है ना बैक के लिए। ठीक है, दिल्ली की गाड़ी है या दिल्ली की, हम बताओ कहाँ आएंगे, उस पहाड़ के ऊपर मेनली तो इसलिए आए थे हम। चलो चलो उस साइड से निकलना खाना खाने के लिए। और यहाँ पे भी कुछ लग रहा है स्वास्थ्य की और वेजिटेरियन डाल दो भैया, रोकिए मत, धीरे धीरे देखो। दाल मखनी है तो हाँ गाड़ी गाली को करो, आगे कुछ नहीं है गाइस। खाने का भी पूछ लेते किसी से। तो गाइस हम फिर से वापस मोड़ लिए अपने गाड़ी, क्यों? क्योंकि हमें खाना खाना है। यूपी वाले तो बड़े हुँ 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 हुँ। ये अंकल ने क्या लगा रखा है, समोसे भी नौ नौ, फैमिली ब्रेकफास्ट लंच डिनर। हाँ रुक सकते हैं क्योंकि उस लाइन में कोई ढाबा दिख रहा था तेरे को, एक बार डाल ही दे इसी लाइन पे डाल दे, मैं देखते रहे आराम से देख लेंगे। हम खाना ढूंढ रहे गाइस, खाना यहाँ पे गाड़ी कॉमन है एवेंजर्स, जो दिल्ली में कोई इनको पूछता तक नहीं है, यहाँ हर किसी के पास दिख जाएगी आपको एवेंजर्स। कैब मिल रही है, कैब ले लोगे यहाँ से? जिसको भी करवाएंगे भैया करवाओगे, किसी को करवाएंगे, हम तो सीधा स्कूटी डालेंगे पानी के अंदर बोटिंग के लिए। अमृत रसोई डाल दे अंकल, कह रहे हो डाल दे, क्या हो रहा है बाइक वाले के लिए कहाँ से है? लिए होती है ना बोट राइडिंग पर बंदा, दो बंदे कितने लेंगे फिर? 300-400 ले लो, सही है। यहाँ पे आओ किसी धक्का दे दो पानी में। आज की चल रही भैया किनारे बजे रोड रोलर चलाओ, हमने किसी को दिल दे दिया। ना ना कहाँ लगाएगा, कहाँ लगा रहे किसने? रेस्टोरेंट तो मिल गया गाइस हमें, अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। यहाँ बोटिंग से हो रही है, देख रहे हो लोगों को बहुत काटा जाता है यहाँ पे, और हम नहीं कटना चाहते। चल आगे चलना, आगे से कट खाने को। तो गाइस हमने गाड़ी पार्क कर दी है, अब कर तो दिए लेकिन क्या पता कौन उठा ले जाए, क्योंकि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाने के लिए। चल आगे आ जा, आगे मिल जाएगा, आगे देखेंगे कोई वेजिटेरियन होटल। नॉन वेज भी चल जाएगा पर सस्ता ही होना चाहिए। अरे उठा ना ले, बाइक ऑन रेंट, बुलेट भी ले सकते हो गाइस आप रेंट पे, बिना नंबर प्लेट की बुलेट से ले सकते हो आप। कोई कैप नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे, नहीं तो मैं कैप ले लूँ एक। चले पूछ लेंगे भाई, उठा तो नहीं लेगा। चल ये तो मस्त लग रहा है ना, और इसका तुम दाल मखनी खा रहे हो, कह
कहीं भी बैठ जाओ यार, इतना अंदर कहाँ जाएगा। भाई से पूछ लूँ गाड़ी तो नहीं उठा लेगा कोई हमारी। भाई से दोस्त तंदूरी पराठा खा रहे हैं और हम भी खाएंगे अभी। हमारा आ रहा थोड़ा, हमारे आ रही दाल मखनी, तीन रोटी, टिक्की खा के तो मुझे मज़ा आ गया। एक बार टिक्की ट्राई करना आप। क्या नाम है रेस्टोरेंट का? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा लेक के सामने ही है और मेन रोड पे ही है। फिर थोड़ी देर बाद हम जाएंगे पेट्रोल लगवाने और कुछ थोड़ा बहुत आइटम, पेट्रोल तो बाद में लगा लेंगे, अभी तो होते हैं। फिर अच्छा रहा है मेरा है? हमारा रेडी है, ये दोस्त हमारे पराठा खा रहे हैं और हम खा रहे हैं ये। लेकिन मुझे हैवी लग रहा है, खा नहीं पाऊंगा ना मैं, पहले बोला था मैं। सो गाइस हमने खाना खा लिया है, कहाँ से खाया? अन्नपूर्णा। बहुत ही प्यारा लगा, मतलब मन सा भर गया, मन सा गया खाते खाते एकदम, मतलब ये है कि मज़ा आ गया खाना खा के। अब हम जा रहे हैं नैना पीक। आ जा यहाँ के कुत्ते भी देख रहे हो, हट्टे कट्टे कुत्ते, हट्टे कट्टे खाते पीते करके कुत्ते हैं हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ के नहीं यहाँ के। देखिए बाबू को बांसर भाई, रेंट पे ले सकते हो आप, बुलेट भी ले सकते हो, हर चीज ले सकते हो, बाइक ऑन रेंट 400-500 रुपए। लेकिन हम तो दिल्ली से लेके आए अपनी गाड़ी, तो हमने अपना रेंट बचा लिया और 500 रुपए बचा लिए। ये आपको बहुत सारे किचन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे महंगे महंगे, कौन जाएगा इन महंगे, हमें तो नॉर्मल सा खाना खाना है बस, और कुछ नहीं। अब हम जा रहे हैं गाइस